यस यस गुड ऑफ यू पहले इधर आइए थोड़ा थोड़ा मैं इधर आ जाएगा रवीना जी स्टार्ट फ्रॉम यू मैम रवीना मैम मैडम रवीना मैम आपके सामने रवीना जी मैम जो है आपके सामने एकदम रवीना जी सामने रवीना जी मैम मेरे सामने आप बैठ सकती है रवीना जी मैम ये कैमरा आपके सामने मैम मैम जो है मैम सामने जी रवीना यस रवीना जी इधर नहीं देखिए मैम आप ही नीचे हां मैम लुक डाउन जी आई थिंक ये बहुत ही हमारा सबसे सीनियर और पुराना एस्टेब्लिशमेंट रहा है और इंस्टीट्यूशन रहा है. जहाँ तक कि मीडिया का सवाल है तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इनफैक्ट मैं भोपाल में शूटिंग कर रही थी इसलिए मैम बोल रहे थे कि आप आए भोपाल से इस इवेंट के लिए. आई थिंक जहाँ पे सीनियोरिटी होती है और जहाँ पे इंटेग्रिटी होती है उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है. आई थिंक आई एम हियर विथ ऑल दैट ड्यू रिस्पेक्ट फॉर नवभारत टाइम्स. यस ऑलवेज आई थिंक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग लकीली नवभारत टाइम्स हैज़ नेवर बीन कि मुझे याद हो पहले भी 90s में कि गॉसिपी येलो जर्नलिज्म या कुछ ऐसे आर्टिकल्स हो. ऑलवेज स्ट्रेट फैक्ट्स होते थे और अच्छे पॉजिटिव आर्टिकल्स होते थे एंड आई थिंक इसलिए वो क्रेडिबिलिटी भी भरती है एंड दैट्स व्हाई यू फील लाइक डूइंग व्हाट यू डू. रवीना जी ने बताया जब आप क्या मेमोरी शेयर करना चाहेंगे. मतलब रवीना जी के बारे में तो मतलब कभी क्या वो गाना जो है ना देखते ही तुमसे प्यार हुआ तो वो वाला गाना जो है बोलते हैं ना कैसे दिल में एक घंटी बजती है तो आज भी वही है. वही रवीना जी का जलवा है. और ओवर द इयर्स चूँकि हम जर्नलिस्ट हैं एंटरटेनमेंट में हैं और देखते जाते हैं कि एक कलाकार कैसे निखरता जाता है संवरता जाता है. दमन में जब उनका काम था जब नेशनल अवार्ड मिला या जितना भी उनका बॉडी ऑफ वर्क है चाहे वो सामाजिक सरोकार की फिल्में हों या एंटरटेनमेंट मसाला फिल्में हर जगह रवीना जी का एक वो रहता है जलवा रहता है. आरण्य अभी जो आया था उसमें भी बहुत सुपर्ब काम हुआ है तो हमें लगा कि पार एक्सलेंस जो एक्ट्रेस हैं वो अवार्ड जो जाना चाहिए वो रवीना जी को ही मिलना चाहिए. वो उसकी हकदार है. KGF 2 के बारे में हाँ और KGF 2 तो मैं कैसे भूल सकती हूँ. अभी मैं आ रही थी उनके बारे में बोल रही थी. नहीं हमने पूरे आपके इंट्रो में पूरा वो लिखा है आर्टिकल में और उसमें मतलब एक कहते हैं ना कि वो एक अलग ही तरह का रोल जो कि रवीना का एक रवीना टंडन का एक बहुत ही अलग रोल हमें देखने को मिला. आप कैसा महसूस कर रही हैं. मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं. नहीं जब एंटरटेनमेंट एडिटर साथ में हो और जिनको जो रवीना का इतना बड़ा फैन हो तो फिर आपके लिए हमारा कहना बनता है. आप हमारी मेहमान हैं अवार्डी हैं. मैं बस एक नवभारत टाइम्स उत्सव जो हम कर रहे हैं NBT उत्सव 2022 ये एक उम्मीद हमारे लिए लेकर आया है पैंडेमिक के बाद. बस ये जानना चाहते हैं कि आप कैसा फील कर रही हैं इस पूरे समारोह का हिस्सा बनकर. मैं बहुत खुश हूँ और जहाँ तक के इंटेग्रिटी और रिस्पेक्ट का सवाल होता है तो नवभारत टाइम्स अब 72 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं और वो उत्सव इसलिए भोपाल से आई हूँ यहाँ बनाने के लिए शूटिंग के बीच में. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे याद किया एंड आई होप वही रिस्पेक्ट और वही रिश्ता हमारा हमेशा कायम रखे. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड अनदर ग्रेट 72 ईयर्स. आप और मैं शायद हो ना हो बट अनदर ग्रेट 72 ईयर्स है. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. चलिए आइए.